नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच आपके पसंदीदा चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सांसद नंबर वन चुनने की जो मुहिम चलाई, उस कड़ी में अब तक आपने देखा उन चार सांसदों के कामकाज का लेखा जोखा जिन्हें उनके क्षेत्र की जनता मानती है सांसद नंबर वन। ये सांसद हैं रायपुर से रमेश बैस, इंदौर से सुमित्रा महाजन, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दुर्ग से सरोज पांडे। लेकिन इन सबसे ऊपर जिस सांसद का नाम आता है और जिसे दोनों प्रदेशों की जनता ने दिए हैं सबसे ज्यादा नंबर और जो बना है दोनों प्रदेश में सांसद नंबर वन, और वो नाम है छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ का। सांसद नंबर वन में आज देखिए छिंदवाड़ा के विकास की कहानी और कमलनाथ का सफरनामा। देश के नक्शे पर यह हिस्सा छिंदवाड़ा का है, जहां जमीन पर खड़ा इंसान अपने सपनों को पंख लगाकर आसमान पर छा जाना चाहता है। लेकिन छिंदवाड़ा की कहानी जमीन से नहीं पाताल से शुरू होती है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, पठार हैं, छोटे छोटे मैदान हैं और इलाके की पहचान आदिवासियों से होती है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 33 साल पहले छिंदवाड़ा किसी छोटे से गांव जैसा लगता था, जहां न बिजली थी, न पीने को पानी, न चलने को सड़कें और न ही कुछ उगाने लायक जमीन। इसकी ताकीद इन तस्वीरों से होती है, जहां आसमान छूते पहाड़ों की तलहटी में बसे आदिवासी बस जंगलों पर निर्भर थे। जंगली जानवरों से खुद को बचाने और उनके शिकार के लिए कुछ ऐसे हथियार, छीन के पेड़ों से तैयार हुई पोशाकें और जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं कहीं छोटे छोटे बाजार। ये छिंदवाड़ा का वो दौर था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा ये इलाका विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, ऐसे दावे और इरादे जताए जाते हैं। यहां से कमलनाथ सांसद हैं। हम चलते हैं छिंदवाड़ा और देखते हैं कि किस तरह से ये क्षेत्र तरक्की की राह पर है। आइए। वक्त आगे बढ़ता रहा और पातालकोट एक्सप्रेस में सवार लोगों से बातचीत कर हम छिंदवाड़ा का खाका बुनते रहे। इस ट्रेन में हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो छिंदवाड़ा में ही पैदा हुए, पले बढ़े और आज अपने अपने मुकाम पर हैं। हम उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर छिंदवाड़ा में उन्होंने किस तरह से विकास के नए आयाम देखे हैं और किस तरह से वो महसूस करते हैं कि छिंदवाड़ा आगे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से हर दृष्टि से छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे इंडस्ट्रीज में हुआ है, कोल इंडस्ट्रीज़ में हुआ है और एजुकेशन में भी काफ़ी हुआ है, रोड्स वगैरह इम्प्रूव हुए हैं। ये बताइए कि महिलाओं के लिहाज से आप कितना स्कोप मानती हैं छिंदवाड़ा में? काफ़ी स्कोप है और यहाँ पे कोई भी किसी भी जात का यहाँ डर नहीं है। महिलाएं आराम से घूम सकती है, कोई भी उसका यहाँ पे यानी सेफ है महिलाएं। खास तौर से मैंने सड़कों का देखा है अभी, क्योंकि मेरे को सड़कों पर ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, इधर उधर मैं जाता हूँ, चार पांच जिले का काम है मेरे पास, आसपास के जो भी जिले हैं वो बहुत बेहतरीन है, पूरे मध्य प्रदेश से हटकर विकास कार्य हुआ है। बचपन से ही छिंदवाड़ा में रहा हूँ और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से विकास किया है तो वो दिखता है रोडों का, क्या यहाँ पर छिंदवाड़ा में मॉडल स्टेशन बना है रेलवे का, आगे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कार्य इसी गति से जारी रहेंगे और हमारा नगर महानगर की ओर जा रहा है। नए दिन के सूरज के साथ ही हमें नजर आया आज का छिंदवाड़ा, वो छिंदवाड़ा जिसे आज कमलनाथ का छिंदवाड़ा कहते हैं। ये बात सन 1979 की है जब छिंदवाड़ा के आसमान पर कमलनाथ के नाम का सूरज चमका। कमलनाथ और संजय गांधी की दांत काटी दोस्ती रही। 24 अक्टूबर 1989 को इंदिरा गांधी कमलनाथ को इसी शुक्ला स्टेडियम
और आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम में लेकर आई, जहां उन्होंने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहा। कमलनाथ के पैर छिंदवाड़ा में क्या पड़े, छिंदवाड़ा की तकदीर और तस्वीर दोनों उसी समय से बदलना शुरू हो गए। विकास का पहिया कमलनाथ के आने के बाद ऐसा घूमा मानो छिंदवाड़ा को सिर्फ कमलनाथ का ही इंतजार था। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को हुआ कानपुर में, एक औद्योगिक घराने में। उनके पिता श्री महेंद्रनाथ एक उद्योगपति थे। 27 जनवरी 1973 को अलकानाथ जी से उनकी शादी हुई। उनके दो बेटे हैं, नकुलनाथ बकुलनाथ। छिंदवाड़ा, जहां विकास शब्द ही पहली बन चुका था। बेहद नाजों से पले कमलनाथ ने मानो इस पहेली को सुलझाने के लिए धरती पर जन्म लिया। कहते हैं कि जवानी वो दम रखती है कि जब जमीन पर पैर मारो तो पानी निकल आए। ये मौका कमलनाथ को उनकी पार्टी कांग्रेस ने दिया। सन 1968 में कमलनाथ एक युवा नेता के तौर पर कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी जगह बनाई और सन 2008 से 2004 तक वो कांग्रेस के महासचिव रहे। जब कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने तो ये इलाका एक छोटे से गांव से ज्यादा कुछ नहीं था। पुरानी पीढ़ी की आंखों में आज भी पुराना छिंदवाड़ा बसा हुआ है। छिंदवाड़ा भी देहाती लगता था, कुछ सुविधा नहीं थी। बहुत दूर से एक मील से हम लोग पानी लाते थे बालस्तर के कुएं से। छोटी लाइन थी, छोटी लाइन से भी सिवनी तक, फिर सिवनी से बस से, नहीं तो यहाँ से जो एक बस चलती थी वही शाम को पहुँचती थी। छिंदवाड़ा के विकास के चरण हैं या छिंदवाड़ा में जो प्रगति हुई है, वो प्रगति मैंने अपनी आंखों से बहुत निकट से देखा हूँ। हमारे घर के सामने की सड़क इतनी उबड़ खाबड़ थी कि हम साइकिल भी ढंग से नहीं चला पाते थे। नाली इतनी छोटी थी कि पानी घर के अंदर घुस जाता था। अब डामल रोड है। घोर अभावों से जूझते छिंदवाड़ा को कमलनाथ ने रफ्तार दी। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते छिंदवाड़ा को सांसद कमलनाथ ने बदलना शुरू किया। छिंदवाड़ा में करीब 2000 गांव हैं। 1980 तक केवल कुछ सौ गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंचती थी। लेकिन पहली बार सांसद चुने जाने के बाद कमलनाथ ने 1984 तक 100% ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण की व्यवस्था करा दी। जैसे जैसे छिंदवाड़ा फैल रहा है, ये काम आज भी जारी है और हर घर तक बिजली पहुंचाना कमलनाथ के मिशन जैसा है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सिलसिला 1980 से शुरू हुआ, वो फैलते हुए छिंदवाड़ा में आज भी बदस्तूर जारी है। क्या शहर क्या गांव, सब रोशनी में नहाए हुए हैं। जहां कभी सूरज की रोशनी 12 बजे पहुंचती और 4 बजे खत्म हो जाती, वहां 100% उम्मीद की रोशनी पहुंचने पर कमलनाथ ने पाया कि छिंदवाड़ा को आगे बढ़ने से रोक रही है वहां के लोगों की खराब सेहत। एक दौर था जब छिंदवाड़ा में चिकित्सा बड़ी समस्या हुआ करती थी, खासतौर से ग्रामीण अंचल में, जहां के लोग अकाल मौतों का शिकार होते थे और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे। तब कमलनाथ ने अपने सहयोगी रेवनाथ चौरे की मदद से पूरे अंचल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला बिछा दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो श्रृंखला उस समय कमलनाथ ने बिछाई, उसका प्रभाव छिंदवाड़ा की हर विधानसभा में दिखाई देता है। जिले के मुख्यालय अस्पताल और अन्य अस्पतालों में रोगियों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा, मरीजों के लिए ब्लड बैंक की व्यवस्था और हर मरीज को समय से और उचित इलाज मिले, इसकी पूरी चिंता कमलनाथ को रहती है। गांव-गांव में दौरा करने वाले कमलनाथ ने कभी किसी की मदद से हाथ पीछे नहीं खींचा। हाँ, डॉक्टर को भर्ती कर लिया, 40,000 रुपया नाश कर दिया हमने। कहाँ भर्ती किया? परासिया। तुम रहने वाली कहाँ की हो? सकम की। सकम की वहाँ भर्ती किया, तब भी कुछ आराम ही नहीं है। तो मैं कराऊंगा, ठीक है? तुम इनको रिश्तेदार को ले आना, ठीक है? मैं देखता हूँ कहाँ हो सकता है, दिल्ली में। छिंदवाड़ा को लेकर राज्य सरकार की उपेक्षा से परेशान कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लिए केंद्र से मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी पास करा लिया है। राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा को प्राथमिकता नहीं दी, तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि
कि केंद्र सरकार से पीछे लगकर स्वास्थ्य मंत्रालय से यहाँ की योजना स्वीकृत कर गया। तो मुझे खुशी है कि अब छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की का प्रपोजल स्वीकार किया गया है। कमलनाथ जब भी छिंदवाड़ा आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते, वो जिस गांव में जाते हैं उसे विकास की सौगात देकर ही लौटते हैं। एक समय छिंदवाड़ा का किसान कोई भी फसल लगाता, पानी के अभाव में उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। जब कमलनाथ यहां से सांसद हुए, उन्होंने किसानों को सोयाबीन की फसल के लिए प्रेरित किया और शुरू हुआ सोयाबीन आंदोलन। इसके बाद पानी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा में जगह जगह डैम बनवाए गए, कुएं बनवाए गए, नहरें खुदवाई गईं और पानी की व्यवस्था को मजबूत किया गया और आज छिंदवाड़ा का किसान हर तरह की फसलें उगा रहा है। कमलनाथ की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा रहा कि आज छिंदवाड़ा में किसान लगातार तरक्की कर रहे हैं। जमीन को लगातार खेती के योग्य किया जा रहा है और तरक्की पसंद छिंदवाड़ा का किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती भी कर रहा है। कमलनाथ जी आते तो नहीं आने, आने अपन से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनके भी यानी कई यानी वो चलाए जा रहे हैं सर जी, योजना चलाए जा रहे हैं जैसे रोजगार गारंटी का अन्य योजना है सर जी, हम उतना योजना तो नहीं जानते, लेकिन मतलब उनके लोग आते हैं तुम्हारे जी, पास जी, जी, पढ़े लिखे कितना हो? आठवीं पास हूँ सर जी। आठवीं पास हो जी, और साल में खेती से आप कितना कमा लेते हो और पहले कितना कमाते थे? सर जी पहले तो साल भर में खूब से खूब 10,000-15,000 के आसपास साल भर में जी। अभी तो सर जी जब से मैं खेती कर रहा हूँ यानी अभी तो आलू लगाया था तो अपने को आलू में यानी 3 महीने में अपने को लगभग सर जी 60,000-65,000 के आसपास 3 महीने में अपने को फायदा मिला। आज छिंदवाड़ा के गांव हर तरह की सुविधाओं से जुड़ गए हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की मनरेगा योजना यहां बखूबी लागू की गई। पानी की कमी को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने अपने ही खेत में कुएं बनाए, गांव में ही तालाब और जलाशय विकसित किए गए जहां बरसाती पानी इकट्ठा होता और झिर्रियों के जरिए लगातार कुओं में भरता। गांवों में बिजली पहले से ही थी, मोटर जोड़कर किसानों ने जमीन पर मेहनत की और मिट्टी ने सोना उगल दिया। छिंदवाड़ा में अब वो दौर भी चला गया जब गन्ना किसानों को गुड़ बनाने के लिए यूपी या बिहार के लोगों की राह ताकनी पड़ती थी। चौराई विधानसभा में हमने देखा कि किसान खुद ही गुड़ तैयार कर रहे हैं और चीनी मिलों को गन्ना बेच भी रहे हैं। बाहर से यूपी साइड से मिस्त्री आते थे तो उनको हम लोग किराए से लाते थे, पैसे ठेके पे लाते थे। अब धीरे धीरे हम लोगों ने उनका काम जो कर रहे थे वो तो हमारे इधर के सब काम वाले ने वो गुड़ बनाना सीख लिया है, तो अब यहाँ के सभी मतलब नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको सब काम मिलने लगा और वो बढ़िया तरक्की से काम करने लगे। क्या क्या सुविधा गाँव में आई है? गाँव में अब क्या है, बिजली है, स्कूल है, रोड है और ये सारी मतलब नए नए किस्म के बीज आ रहे हैं, बीडर बीज आ रहा है जिससे किसानों को काफ़ी तरक्की से पैदावार में बढ़त मिल रही है। तरक्की के नए आयामों को छूता, अपनी बाहें फैलाता छिंदवाड़ा अभी और भी है। एक ब्रेक के बाद प्रायोजक है सोनालिका ट्रैक्टर्स। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देव भोग के। देव भोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध सबसे ताजा सबसे शुद्ध। India ka international taste tops like me lime maza aam ki mithas
अब और भी खास। सिप इंडिया से मैंगो सिप। हेलो, क्या करें, आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियो कॉन D2H असली HD जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट फ्रेशेस्ट क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। हम इस समय चौराई विधानसभा के मोहगांव में हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव अपने कामकाज में लगा हुआ है। ये गांव पूरी तरह सड़क से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ खेती बाड़ी हो रही है, यानी छिंदवाड़ा पूरा का पूरा इस समय हर गांव सड़कों से जुड़ चुका है। यहां पर आने जाने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। गांव में बिजली है, पानी है, सड़कें हैं और साथ ही विकास की नई राहें भी। पहले इससे पहले गाड़ी चला रहा था, बहुत दिक्कत जा रही थी मेरे को। आज की रेट में इतना अच्छा है कि रोड बनने से काफ़ी कुछ अच्छा हो गया और पैसेंजरों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। कहाँ से कहाँ जाते हो? हम लोग चलते हैं चांद से चौड़ी चौड़ी से खमरा चलते हैं, दो चक्कर मारते हैं यहाँ से। किराया कितना है? किराया है 35 रुपये। कमलनाथ के प्रयासों से ही नींबू वर्गीय खेती करने वाले किसानों के लिए जगह जगह पैक हाउस बनवाए गए। केंद्रीय वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जरिए 20,000 टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो पांडुणा, परासिया, सौसर समेत कई इलाकों में खुलेंगे। संतरा उत्पादकों के लिए तकनीकी मिशन का गठन किया गया। किसानों के लिए खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था की गई। कपास की खेती करने वालों के लिए जगह जगह सूत मिल खोली गई। इसके अलावा 20 करोड़ की लागत से मसाला पार्क का निर्माण कराया गया, जहां मसाला फसलों के उत्पादक किसानों को उनकी कृषि उपज का सही दाम तो मिलता ही है, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। यहाँ पर पे सर ये फैक्ट्री ओपन होने से बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है। यहाँ पे जो बेरोजगार लोग थे उन लोगों को रोज़गार मिला है। अभी आगामी 900 वर्करों की भर्ती होने वाली यहाँ पर पे। यहाँ पे प्याज और बीन्स और कैबेज और ओनियन का चलता है और यहाँ से रॉ मटेरियल बन करके यहाँ से गुड मटेरियल बन करके बाहर जाता है। जब छिंदवाड़ा के लोगों की पेट की भूख मिटी तो आगे बढ़ने की भूख तेज हुई। वक्त से पहले छिंदवाड़ा के लोगों की भावनाओं को समझते हुए कमलनाथ ने बेहतर शिक्षा के लिए छिंदवाड़ा में स्कूलों की झड़ी लगा दी। आज छिंदवाड़ा सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं है, ये कमलनाथ का छिंदवाड़ा है। कमलनाथ की स्कूलिंग दून स्कूल में हुई, इसके बाद वो कोलकाता गए, सेंट जेवियर स्कूल में उन्होंने वाणिज्य की उपाधि ली। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है, शायद इस बात को कमलनाथ ने बहुत बेहतर तरीके से समझा। जहां दूसरे संसदीय क्षेत्रों में लोग एक केंद्रीय विद्यालय को तरसते हैं, वहीं कमलनाथ ने अपने अथक प्रयासों से जिले को 5 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी। छिंदवाड़ा में 2 केंद्रीय विद्यालयों के अलावा बड़कुही, चौराई और जुन्नारदेव में केंद्रीय विद्यालय कमलनाथ ने खुलवाए। इसके अलावा अमरवाड़ा के ग्राम सिंगोड़ी में नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, बिछुआ में एकलव्य विद्यालय और छिंदवाड़ा में 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाकर नई पीढ़ी को आसमान छूने के लिए पंख दे दिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से बहुत सुविधाएं हुई, जैसे कि पहले हमें इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल जाना पड़ता था, अब हमारे जिले में ही आ गया तो इससे बहुत सुविधाएं प्राप्त हुई। अपने कॉलेज में हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे एनी इंस्टीट्यूट में। केंद्र की योजनाओं में अगर हम देखें तो UGC से हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। हर साइंस का डिपार्टमेंट आप देखें तो वेल इक्विप्ड है। इसके अलावा जिले में 50 से ज्यादा नॉलेज पॉइंट खोले गए हैं। ये एक NGO का प्रयास है जिसमें आदिवासी बच्चों को स्कूल के बाद अलग से ट्यूशन क्लासेस दी जाती हैं। सतपुड़ा की खुशनुमा पहाड़ियों में कभी छिपा रहा छिंदवाड़ा आज चारों तरफ अपने पैर पसार रहा है।
और लगातार तैयार होती नई राहें उसे रोजाना नए मुकाम दे रही हैं। पूंजी से सड़कें नहीं आती बल्कि सड़कों से पूंजी आती है। कमलनाथ ने न इस बात को बखूबी समझा बल्कि इसका नजारा अगर आपको देखना हो तो छिंदवाड़ा चले आइए। चाहे वो हाईवे हो, शहर की सड़कें हो या गांव की सड़कें हो, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं और इन्हीं जुड़ी हुई सड़कों पर छिंदवाड़ा के लोग लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जिले में सड़कों का महाजाल बिछ चुका है। गाड़ियों की सेहत जांचने के लिए हाईवे के साथ ही ऑटोमेटेड सेंटर फॉर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल सेंटर का निर्माण कराया गया है। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही नई सड़कों को बनाने का काम दिन रात जारी है। 250 से 800 की आबादी वाले गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य मार्गों से जोड़ दिए गए हैं। बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ? अरे सड़क बन रही है, किसानों को सहूलियत मिल रही है, कर्ज माफ हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, और क्या चाहिए। इसके अलावा नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे, छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे, मुल्ताई से छिंदवाड़ा सिवनी बाईपास रिंग रोड, इमलीखेड़ा में छिंदवाड़ा नागपुर अंडरपास और भारत सरकार के उपक्रम NTBC और NBC के जरिए पांडुणा, सौसर, बिछुआ में सड़कों का निर्माण हुआ। कमलनाथ ने अथक प्रयास कर जिले के ग्रामीण अंचलों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए IAP और बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के जरिए हर साल केंद्र से सौगात दिलाई। ये हमारे सामने आप जो देख रहे हैं रोड, ये VIP रोड हो रही है और 4 लेन प्लस रिंग रोड, ये आज से पहले नहीं था। ओवरब्रिज का काम चालू है, यहाँ अंडरब्रिज होने वाला खजरी रोड में, सर्कुलर रोड में। छिंदवाड़ा के लोगों को आने जाने में होने वाली परेशानियाँ कम हों इसके लिए कमलनाथ ने रेल मंत्रालय को भी छिंदवाड़ा के लिए बाहें खोलने पर मजबूर कर दिया। कमलनाथ एक ऐसे सांसद हैं जो अपने अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो हाथ मिलाकर भी काम कराना जानते हैं और बांह मरोड़ कर भी। पहले परासिया से छिंदवाड़ा नैरो गेज से ब्रॉड गेज खींच कर ले आए और अब पूरे छिंदवाड़ा में लगातार रेल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। इस समय हम छिंदवाड़ा से नागपुर जाने वाली टनल के सामने खड़े हैं, जहां ऊपर नैरो गेज की ट्रेन गुजर रही है और नीचे ब्रॉड गेज का काम चल रहा है। छिंदवाड़ा में 3 मंजिला मॉडल रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। साथ ही जुन्नारदेव, परासिया, चौराई, अमरवाड़ा में भी मॉडल स्टेशन बन रहे हैं, जबकि पांडुणा का मॉडल स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है। पातालकोट एक्सप्रेस के रोजाना फेरा लेने से छिंदवाड़ा वासियों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं रही। साथ ही छिंदवाड़ा से इंदौर रोजाना और पांडुणा से खंडवा के लिए भी ट्रेन चल चुकी है। फायदे हैं कि चलो ट्रेन, अभी कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा किए कि जो ट्रेन चालू करवा दी है ना, दिल्ली तक ट्रेन मिल गई है सब लोगों को जाने के लिए। यहाँ से नवेगांव तक हो गई है ट्रेन। पैसेंजर को बहुत सुविधा हो रही है क्योंकि इससे दूर दूर के जो गांव के स्टूडेंट बच्चे हैं, व्यापारी है, वो अपने टाइम पे आते हैं जाते हैं और इसमें किराया भी कम लगता है, समय भी कम लगता है। सड़कों और रेल यातायात से जहाँ लोगों को आने जाने की सहूलियत हुई, वहीं कोयला कारोबार को भी बढ़ावा मिला। 1984 में छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ ने MECL से सर्वे कराया, जिसने विस्तार से छिंदवाड़ा की जमीन को परखा और बताया कि पेंच और कन्हान, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां भरपूर मात्रा में कोयला है। इसके बाद से कमलनाथ ने यहां कोयले की खदानों को कभी बंद नहीं होने दिया। जिस खदान में हम इस समय हैं, यहां पर करीब 3,000 टन कोयला रोजाना निकाला जा रहा है। काले सोने के लिए प्रसिद्ध छिंदवाड़ा जिले का परासिया, न्यूटन, चांदामेटा, बड़कुही, धनकशा, जमुनिया, पठार, शारदा प्रोजेक्ट, हर्राडोल भाखरा, गोड़ावाड़ी के अलावा साकिया नाला, ओपन कास्ट, कोड़ियादेव, कल्याणी, घोड़ावाड़ी, भारत कालरी, दमुआ, नारायणी, भाजीपानी, सेठिया और शिवपुरी कुल योजनाओं को कमलनाथ ने अपने दम पर केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाई, जिससे कोल अंचल में ना तो काम की कमी हो और ना ही लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो। आज छिंदवाड़ा का चाहे सौसर विधानसभा क्षेत्र हो या अमरवाड़ा, बिछुआ हो या परासिया, हर तरफ लोग कमलनाथ के प्रयासों और अपनी तरक्की की कहानी बिंदास बोल रहे हैं।
आर्थिक राजधानी अगर हम बोलना चाहिए तो छिंदवाड़ा से ज़्यादा परासिया है, और नो डाउट इसको संभालने में, इसको सहेजने में कमलनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ का कोल उद्योग, कोयला खदानें, जो खदानें बंद होने की कगार में थी, कमलनाथ जी ने 20 साल 10 साल उन खदानों को जिंदा रखा। कमलनाथ जी के कारण ही छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान बनी है। जब वो यहाँ पर आए थे विकास बिल्कुल जीरो की स्थिति में था। अस्पताल की सुविधा हो गई, 108 नंबर गाड़ी चल रही है, बहुत फैसिलिटी हो चुकी, मतलब सिंगोड़ी में पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब बिजली भी कंटिन्यू नहीं रहती, बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पानी की भी पहले बहुत परेशानी थी, लेकिन आजकल पानी डैम की वजह से पानी की भी कोई इतनी परेशानी नहीं है। मैं कल ही छिंदवाड़ा गया था तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मेट्रो शहरों में हम चलते हैं उस टाइप से रोडें, मतलब फोर लाइन जो बन रही है उस टाइप से बन रही है। बिछवा में पहले हमारे गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, यहाँ तो अब खुद एजेंसी होने की वजह से हमें घरेलू गैस की कोई परेशानी नहीं होती है। जब मैं अपने बैतूल जाता हूँ, बताता हूँ, तो वो बोलते हैं कि वो तो बहुत विकसित है, हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े ताकि यहाँ का विकास कर सकें। छिंदवाड़ा जो है पहले से और अभी में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया, इतना बड़ा उसका यानी अब संभाग भी बनने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, और पांडुना भी कोई कम नहीं है। कि आपके सांसद ने किस तरह से क्षेत्र का विकास किया? मैं तो ये कहता हूँ कि इनके श्री का सांसद कोई इंडिया में नहीं है। तरक्की के नए आयामों को छूता, अपनी बाहें फैलाता छिंदवाड़ा अभी और भी है। एक ब्रेक के बाद रियल एस्टेट टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार, हर कदम विश्वास के साथ। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज सोनालिका ट्रैक्टर। रंग है सौ तरह के रंग है, कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत, मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल, एमपी में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा, एमपी में आई हर रूह मलंग है। छिंदवाड़ा जिसे कभी विकास की राह नहीं मिल रही थी, आज विकास की सारी हवाएं छिंदवाड़ा से होकर बह रही हैं, और हवाओं के रुख को छिंदवाड़ा की तरफ मोड़ने वाला कोई और नहीं, खुद कमलनाथ हैं। कमलनाथ 1980 में छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद चुने गए, इसके बाद 1984, 1989, 1991, 1998, 1999, 2004 और 2009 में भी वो छिंदवाड़ा से सांसद बने, कुल 8 बार। कमलनाथ केंद्र में कई बार मंत्री बने, उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय संभाला है। वो जिस भी मंत्रालय में गए वहां से छिंदवाड़ा के विकास का रास्ता बनाते चले गए। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभाएं आती हैं, छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, पांडुणा, चौराई, अमरवाड़ा और सौसर। राज्य की राजनीति के लिहाज से यहां उठापटक चलती रहती है, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस बाजी मारती है, लेकिन कमलनाथ बीते 33 साल से छिंदवाड़ा में अजेय बने हुए हैं, और इसकी एक ही वजह है, कमलनाथ का छिंदवाड़ा प्रेम। हमारे जिले का सांसद ने यहाँ पर जो विकास कार्य किए, शायद 8-10 जिलों के सांसद ने ऐसा कोई कारण नहीं किया। वक्त से पहले, वक्त से आगे, अगर कमलनाथ का छिंदवाड़ा चमक रहा है तो इसकी वजह कमलनाथ की जनता के बीच वो बातें हैं जो उन्हें लगातार जागरूक कर रही हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
पैसा केंद्र से आता है, योजना केंद्र की है, चौकीदारी इनको करनी है कि इसका सही उपयोग हो, इनके विधवा पेंशन की बात होए, इनकी गरीबी रोका में नाम जोड़ने की बात होए, इस इनके साथ न्याय हो। देश के दूसरे इलाकों में जहां सांसद अपनी सीट एक या दो चुनाव के बाद बदलने लगते हैं, वहीं कमलनाथ बाकी सांसदों और संसदीय क्षेत्रों से छिंदवाड़ा को न सिर्फ अलग और आगे देखना चाहते हैं, बल्कि इस दिशा में उन्होंने पूरा दम लगा दिया। आज का छिंदवाड़ा पूरी तरह से युवाओं की तरफ झुका हुआ नजर आता है। सबको काम मिले, हर हाथ को रोजगार मिले, ये बदलते छिंदवाड़ा की प्राथमिकता है। कई तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज छिंदवाड़ा में जगह जगह चल रहे हैं। नई पीढ़ी को तकनीकी रूप से विकसित करने के लिए छिंदवाड़ा उच्च तकनीक से लैस NIIT केंद्र की स्थापना की गई। छिंदवाड़ा में सिवनी मार्ग पर बना ये सेंटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, बच्चों को दुनिया से कदमताल करने के लिए सक्षम बना रहा है। छिंदवाड़ा के हर ट्रेनिंग सेंटर में गरीब बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। इसी तरह छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर स्थित इमलीखेड़ा में प्रदेश का पहला फुटवेयर डिजाइन सेंटर खोला गया है, जहां दुनिया की बेहतरीन मशीनों पर नई पीढ़ी हुनरमंद हो रही है। करीब 10 एकड़ में फैले FDDI के परिसर में हॉस्टल की भी व्यवस्था है। यहां पर कमलनाथ जी की कृपा से थोड़ा फुटवेयर डिजाइनिंग खुल गया है, तो मैं ही करना करा, लेकिन इस पे भी कोर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो फिर मेरे एक दोस्त था जो कर रहा था, पहले सीनियर थे भी एक, तो उनने बताया कि BSc FT करो। कम पढ़े लिखे लोग भी आगे बढ़ सकें, इसके लिए सांसद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में CII की स्थापना कराई, जहाँ वेल्डिंग, राजमिस्त्री, मैकेनिक और ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों के लिए नए हुनरमंद तैयार किए जा रहे हैं। यहां से कई बच्चे कोर्स करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि कोर्स पूरा करने के साथ ही नौकरी उनका इंतजार कर रही है। जो CII कंपनी है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो मात्र इंडिया में दो है, कोलकाता में और एक अपने खास अपने छिंदवाड़ा में। जो हम कॉलेज करके यहाँ पे आए हैं और जो एक नई चीज सीखने मिल रही है, ये एक तरीके से एक इंजीनियरिंग है जो इतने कम समय में हमको इतना ज़्यादा प्रॉफिट और उसके साथ साथ प्लेसमेंट और जॉब जो मिल रहा है, वो छिंदवाड़ा के लिए बहुत उपयोगी है। कमलनाथ ने वस्त्र मंत्रालय की तरफ से ATDC का सेंटर खुलवाया है, खासतौर से महिलाओं को ध्यान में रखकर, जहां दाखिला पाने के लिए सिर्फ 5वीं पास होना भर जरूरी है। बेहतरीन मशीनों पर ट्रेनिंग लेकर यहाँ काम करने वाली महिलाएं ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही नौकरी का ऑफर लेटर पा जाती हैं। आगे चल के मैं जॉब करना चाहती हूँ, और जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, ये मैं ये सीख के निःशुल्क खुद अपना खुद खोलना चाहती हूँ। और मुझे कमलनाथ जी ने ही 10वीं और 12वीं की फीस दी थी पढ़ने के लिए। अब जरा इस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को देखिए। यहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चों को सड़कों पर भारी और विदेशी वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। करोड़ों की लागत वाली मशीनें और वाहन यहाँ मौजूद हैं, जिस पर नौजवान अपनी तकदीर को पैना कर रहे हैं और भविष्य के सपने बुन रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए यहाँ छिंदवाड़ा शहर के नज़दीक जो इतनी सुविधा प्रदान की है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राइविंग सिखाई जाती है, यहाँ पर जो है रोड ट्रैक के बारे में अच्छे से समझाया जाता है, सिग्नल के बारे में बताया जाता है। बांडुणा विधानसभा में विशाल टेक्सटाइल पार्क का निर्माण चल रहा है। 400 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे हजारों एकड़ में फैले इस परिसर के तैयार होने पर न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि पार्क के साथ ही 40 मेगावाट विद्युत परियोजना एक साथ संचालित होगी। नई पीढ़ी के लिए दुनिया अपने रास्ते खोल दे, इसलिए छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ के अथक प्रयासों के जरिए आज जिले में कई कॉल सेंटर काम कर रहे हैं, जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है।
पता चला है कि यहाँ पे कमलनाथ जी के द्वारा एजी सेंटर एक लाया गया यहाँ पे, तो उससे हमें तो बहुत खुशी हुई, साथ में जॉब भी मिला और बाकी जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी जॉब मिला यहाँ पे। छिंदवाड़ा में एजिस और टाटा के कॉल सेंटर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एजिस या इस जैसे और बड़े बड़े बीपीओ कॉल सेंटर सिर्फ शहरों में दिखाई देते हैं, छिंदवाड़ा शहर में ही इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो आप गलत हैं। हम आपको ले चलते हैं चांद और दिखाते हैं गांव का कॉल सेंटर। चौराई विधानसभा के चांद गांव और सौसर के कॉल सेंटर गांवों की शान बन चुके हैं। रूरल शोर्स के कॉल सेंटर अब गांव में रोजगार का एक प्रमुख माध्यम बने हैं और यहां रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, यानी जो बच्चे पहले नौकरी की तलाश में गांव और शहर छोड़कर जाते थे वो वापस लौट रहे हैं। ये सेंटर यहां पे ओपन हुआ है जिससे कि मैं मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े जॉब करने के लिए, और मैं यहां पे जॉब करके बहुत खुश हूं। मैं अपने फैमिली के साथ रहकर बहुत खुशी हूं। ये जो देन है हमारे सांसद निधि से ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि यहाँ पे उन्होंने एक कॉल सेंटर अपने ओपन करवाया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए। कमलनाथ जानते हैं कि अगर ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना है तो छिंदवाड़ा के बच्चों को कुछ अलग हटकर सीखना होगा, इसलिए आयल एंड एफएस की स्थापना की गई। ये परिसर पुराना कांग्रेस भवन था जिसमें अब भारत के भविष्य को तैयार किया जा रहा है। यहाँ बीपीओ, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डिंग जैसे काम सिखाए जाते हैं। आपके फोन पर आने वाली कस्टमर केयर की कॉल के लिए युवा कैसे तैयार होते हैं, इसका नजारा हमें इस ट्रेनिंग सेंटर में देखने को मिला। ट्रिंग ट्रिंग, नमस्कार, आइडिया में आपका स्वागत है। मैं राम कुमारी, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी, मुझे गाना लगवाना था, इस विषय में मुझे जानकारी चाहिए। जी, जैसा कि मैं सही समझ पा रही हूँ, आपको गाना लगवाना, इस विषय में आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। इससे पहले क्या मैं आपका शुभ नाम और नंबर जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम उर्मिला है और यही मेरा नंबर है। जी उर्मिला जी, नाम और नंबर बताने के लिए धन्यवाद। सौसर आज छिंदवाड़ा का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जिले में 60 से ज्यादा कंपनियां हैं जो जिले के युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही हैं। इन नामी कंपनियों को छिंदवाड़ा लाने वाले सिर्फ कमलनाथ ही हैं। हम इस समय छिंदवाड़ा से तामिया की तरफ जा रहे हैं। तामिया जुन्नारदेव विधानसभा का हिस्सा है और यह आदिवासी अंचल है। विकास की ऐसी बेजोड़ मिसाल पेश करने वाला छिंदवाड़ा हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका एहसास पातालकोट में होता है। हम इस समय पातालकोट में हैं। ये जगह ऐतिहासिक लिहाज से जितनी महत्वपूर्ण है, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी ये बहुत विशेष हो जाती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये अंचल आप जो देख रहे हैं पूरी तरह से आदिवासियों का अंचल है और समुद्र तल से ये करीबन 3000 फीट नीचे है। इसी वजह से इसे पातालकोट कहा जाता है, यानी जो रास्ता पाताल की तरफ जा रहा हो। आज पातालकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं, गांव में बिजली है, स्कूल है। आदिवासी अब खेती भी कर रहे हैं और पाताल से बाहर आकर जंगल से बटोरी हुई जड़ी बूटियां वो यहां आने वालों को बेचते हैं। पहले जंगल काटते थे सियाने लोग, बेवर बोते थे, उसमें कुटकी लगाते थे, खाते थे। आप साल भर की खाने के लिए अब मक्का लगा लेते हैं, कोदो कुटकी बोल लेते हैं, पोपट बोल लेते हैं दाल के लिए, तो साल भर के खाने के लिए हो जाता है। अच्छा, खेती में मदद मिलती है यहाँ सरकार की तरफ से? मिलती है सर। किस तरह की मदद? खाद बीज मिलता है। इंसान किस तरह से अपना विकास कर रहा है, इंसान किस तरह से कुदरत से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो शायद इस पातालकोट से बेहतर समझने लायक दूसरी जगह नहीं होगी। इसमें दो राय नहीं कि आज का छिंदवाड़ा दुनिया भर में पहचाना जा रहा है और ये पहचाना जा रहा है कमलनाथ के छिंदवाड़ा के रूप में। कमलनाथ के छिंदवाड़ा प्रेम की कहानी उनके विरोधी भी सुनाते हैं। देखिए, 1980 के पहले तो छिंदवाड़ा बहुत पिछड़ा हुआ था।
परंतु मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जो कमलनाथ ने काम किए हैं वो ऐसे काम किए हैं कि अगर मैं राजनीति से परे हटके अगर उसको बोलूँ तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 20 साल में जो काम नहीं हुए वो 5 साल में हुए हैं। हम जो सपना देखते थे कि हम 20 साल बाद का छिंदवाड़ा कैसे देखेंगे, हो सकता है कि चूँकि मेरी उम्र अभी 68 साल हो चुकी है हम 20 साल बाद का छिंदवाड़ा नहीं देख पाते, परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कमलनाथ जी ने 20 साल बाद का छिंदवाड़ा हमें आज दिखा दिया। आज छिंदवाड़ा जिस मुकाम पर खड़ा है उसके शिल्पकार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ हैं। केंद्र की योजनाओं को कैसे छिंदवाड़ा तक लाना है ये शायद उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे भारत में छिपी अपार संभावनाओं को अपनी कलम से दुनिया के सामने रख चुके हैं। कमलनाथ एक लेखक भी हैं, उन्होंने भारत की शताब्दी नाम की किताब लिखी है जिसमें भारत में छिपी अपार संभावनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कमलनाथ को एक राजनीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, लेकिन 158 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो उन्हें एक लेखक के रूप में जानते हैं। छिंदवाड़ा को पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाने में कमलनाथ ने अहम भूमिका निभाई है। पूरे छिंदवाड़ा में कई जगह धार्मिक और प्राकृतिक लिहाज से विशेष हैं। कमलनाथ के प्रयास से ही छिंदवाड़ा में 101 फीट की हनुमान मूर्ति की स्थापना की जा रही है। ये मंदिर भी आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा की विशेष पहचान होगा। विकास न तो एक दिन में होता है और ना एक साथ होता है, ये एक निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है और छिंदवाड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ के लोग अपने विकास की गाथा रोज लिख रहे हैं, रोज नई कहानी बुनते हैं और अपने सपनों को लेकर छिंदवाड़ा आगे बढ़ता है। यहाँ के लोगों की चमक, दमक और हनक सिर्फ छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई देती है, दिखाई देती है। कैमरामैन विक्रम के साथ शेखर त्रिवेदी, जी मीडिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। प्रायोजक है कांट स्टॉप स्माइलिंग व्हेन यू बुक चीपेस्ट टिकट्स एट easemytrip.com। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और